CBS ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। स्क्रू थ्रेड और फास्टनर के उपयोग के विषय में कल मैंने पढ़ाया, आज मैं आपको स्क्रू थ्रेड की परिभाषिक शब्दावली की जानकारी दूंगा। स्क्रू थ्रेड की परिभाषिक शब्दावली टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, बाहरी चूड़ियाँ। एक्सटर्नल थ्रेड, जो चूड़ियाँ किसी सिलेंडर की बाहरी सतह पर काटी जाती हैं उन्हें बाहरी चूड़ियाँ एक्सटर्नल थ्रेड्स कहते हैं। नंबर दो, अंदरूनी चूड़ियाँ इंटरनल थ्रेड्स, जो चूड़ियाँ किसी सिलेंडर की अंदरूनी सतह पर काटी जाती हैं उन्हें अंदरूनी चूड़ियाँ इंटरनल थ्रेड्स कहते हैं। नंबर तीन, मेजर डायमीटर, ये किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। बाहरी चूड़ियाँ जैसे स्क्रू बोल्ट में इसको आउटसाइड डायमीटर ओडी और अंदरूनी चूड़ियाँ जैसे नट में इसको फुल डायमीटर कहते हैं। नंबर चार, माइनर डायमीटर, किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है। बाहरी चूड़ियों जैसे स्क्रू बोल्ट में इसको कोर या रूट डायमीटर, अंदरूनी चूड़ियों जैसे नट में इसको इनसाइड डायमीटर कहते हैं। नंबर पाँच, पिच डायमीटर, यह स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक डायमीटर होता है जो कि मेजर और माइनर डायमीटर की पिच में स्थित होता है। यदि मेजर डायमीटर से स्क्रू थ्रेड अकेली गहराई सिंगल डेप्थ हटा दी जाए तो पिच डायमीटर निकल आता है। अक्ष, किसी स्क्रू के बीचों बीच सेंटर से स्क्रू को पूरी लंबाई तक गुजरती हुई सीधी रेखा को अक्ष कहते हैं। नंबर सात, पिच, स्क्रू थ्रेड पर किसी चूड़ी के एक पॉइंट से दूसरी चूड़ी पर उसी के अनुरूप पॉइंट की दूरी को यदि अक्ष के समांतर माप लिया जाए तो वह चूड़ी का पिच कहलाएगा। साधारण शब्दों में एक पिच के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर की बीच की दूरी को पिच कहते हैं। नंबर आठ को जानिए, स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी लीड कहलाती है। सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी में लीड और पिच बराबर होते हैं, डबल स्टार्ट वाली चूड़ी में लीड पिच से दो गुनी हो जाएगी। इस प्रकार चूड़ी में जितने स्टार्ट बढ़ते जाएंगे उतने गुना होती जाएगी। नंबर नौ, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर की ओर जिस सतह पर मिलती हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं। नंबर दस, रूट, स्क्रू थ्रेड को दोनों साइडें नीचे की ओर जिस सतह पर मिलती हैं उसे रूट कहते हैं। नंबर ग्यारह, फ्लैंक या साइड, ये स्क्रू की तिरछी सतह होती है जो कि रूट और क्रेस्ट को मिलाती है। नंबर 12, चूड़ी का कोण, एंगल ऑफ थ्रेड, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें आपस में मिलने के बाद जो कोण बनाती हैं उसे चूड़ी का कोण कहते हैं। नंबर 13, हेलिक्स एंगल, पिच डायमीटर पर अक्ष के लंबवत स्क्रू थ्रेड
कि हेलिक्स के द्वारा बनाया हुआ कोण हेलिक्स कोण कहलाता है। नंबर 14, चूड़ी की गहराई डेप्थ ऑफ थ्रेड, स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी को यदि अक्ष के लंबवत माप लिया जाए तो वह चूड़ी की गहराई कहलाती है। स्क्रू थ्रेड के प्रकार एवं उपयोग, टाइप्स एंड यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, बी थ्रेड्स। नंबर 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड्स। नंबर 1, बी थ्रेड्स जो चूड़ियाँ अंग्रेजी के अक्षर बी के आकार की होती हैं उन्हें बी थ्रेड्स कहते हैं। ये चूड़ियाँ स्टैंडर्ड साइज में पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड्स BSW। ये चूड़ियाँ स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। वर्क शॉप में इस प्रकार की चूड़ियाँ प्रयोग में, इस तरह की चूड़ियों का प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे नट बोल्ट आदि। कोण एंगल 55 अंश। पिच बराबर 1/ नंबर ऑफ TPI। गहराई डेप 0.6403 फीट। त्रिज्या रेडियस 0.1373 फीट। जिस तरीके से ये डायग्राम दिखाया गया है उस तरीके से आप समझिए कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड्स BSW थ्रेड्स 55 अंश, इसका पिच रेडियस। नंबर 2, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड्स BSF। ये चूड़ियाँ थ्रेड्स BSW चूड़ियों के समान होती हैं, परंतु इसमें केवल इतना अंतर होता है कि इनका पिच फाइन होता है, अर्थात एक ही साइज की BSW चूड़ियाँ की अपेक्षा BSF चूड़ियों की संख्या अधिक होती है। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर अधिक कंपन वाइब्रेशन होने की संभावना हो। यह चूड़ियाँ थ्रेड्स अधिकतर ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन और मशीन टूल्स में वहाँ पर प्रयोग की जाती हैं जहाँ पर फाइन पिच की आवश्यकता होती है। कोण एंगल 55 अंश। पिच 1/ नंबर ऑफ TPI। गहराई डेप्थ बराबर 0.6403 फीट। त्रिज्या रेडियस 0.1373 फीट। नंबर 3, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। ये चूड़ियाँ थ्रेड्स BSW चूड़ियों के समान होती हैं, परंतु इनका पिच अधिक फाइन होता है। इस प्रकार की चूड़ियाँ प्रायः पानी, गैस या स्टीम के पाइपों पर काटी जाती हैं। कोण एंगल बराबर 55 अंश। पिच बराबर 1/ नंबर ऑफ TPI। गहराई डेप्थ 0.6003 फीट। त्रिज्या रेडियस बराबर 0.1373 फीट। 4, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये चूड़ियाँ बहुत बारीक होती हैं जो कि छोटे साइज के पेचों पर काटी जाती हैं। इन चूड़ियों का साइज नंबर में पाया जाता है, जैसे ये चूड़ियाँ
जीरो से 25 नंबर तक होती हैं, परंतु वृक्षाप में 0 से 10 नंबर तक की VA चूड़ियाँ अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। 0 नंबर की VA चूड़ियाँ का आउटसाइड डायमीटर 6 mm होता है। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग रेडियो, घड़ियों, कैमरों, टेलीफोनों इत्यादि में किया जाता है। कोण एंगल 47 सही 1/2 अंश, इस पर रोको सही करें। इसका कोण 47.5 अंश होता है। पिच बराबर 1/2 नंबर ऑफ TPI, गहराई डेप्थ बराबर 0.6 P, त्रिज्या रेडियस 2 × P/11। जैसा कि इन चूड़ियों रिटेल एसोसिएशन थ्रेड की विषय में डायग्राम दिया गया है, इसका कोण 47.5 अंश का है, पी इसका पिच है, डी इसका डेप्थ है। इस विषय में ये चित्र को समझें। नंबर 5, शार्प बी थ्रेड, ये चूड़ियाँ थ्रेड्स बी आकार की बनी होती हैं, जिनके रूट और क्रेस्ट बहुत ही शार्प होते हैं, इसलिए ये चूड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये चूड़ियाँ घड़ी के छोटे छोटे शार्प बी थ्रेड पेचों पर प्रयोग में की जाती हैं। कोण एंगल 60 अंश, गहराई डेप 0.866 P, चित्र में दर्शाया गया है। डी सात चूड़ियों के संबंध में 60 अंश के कोण में इनको वी थ्रेड में तैयार करते हैं। ये पिच डेप्थ इस तरीके से चूड़ियों को जाना जा सकता है। नंबर 6, अमेरिकन थ्रेड्स, इन चूड़ियों को सेलर थ्रेड भी कहते हैं। ये चूड़ियाँ प्रायः अमेरिकन मशीनों में पाई जाती हैं। इन चूड़ियों को अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की मान्यता प्राप्त है। ये कोर्स और फाइन दो ग्रेड में पाई जाती हैं। इनके रूट और क्रेस्ट चपटे होते हैं। कोर्स ग्रेड की चूड़ियाँ का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है और फाइन ग्रेड की चूड़ियों को वहाँ प्रयोग की जाती हैं जहाँ पर अधिक कंपन वाइब्रेशन होता है। इसका एंगल 60 अंश, गहराई डेप्थ बराबर 0.6495 P, फ्लैट की मोटाई विड्थ ऑफ फ्लैट बराबर 0.125। जैसा कि ये डायग्राम में दिया गया है, 60 अंश के कोण और पिच और तथा डेप्थ दर्शाया गया है अमेरिकन थ्रेड्स चूड़ियाँ। इज ओके।